Hi everyone, I am Faraz, an ex-Google engineer and founder of LearnYard. तो यार बहुत सारे इंजीनियर्स को एंड खासतौर पे फ्रेशर्स को ये डाउट आता रहता है कि कहीं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की रिलेवेंस कम तो नहीं होती जा रही है, कहीं आने वाले टाइम में कंपनीज डीएसए पूछना बंद तो नहीं कर देंगी, एंड ये डाउट्स मेरे मन में भी आते हैं. सो दैट इज़ वाई आई आस्क्ड अ फ्यू इंजीनियर्स एंड रिक्रूटर्स फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़न, एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट टू नो. एंड ये एक्सपेक्टेड भी था कि इतनी जल्दी कंपनीज एक पर्टिकुलर पैटर्न से दूसरे पैटर्न पे शिफ्ट नहीं हो सकती हैं, बिकॉज डीएसए पूछने का पर्पज ही ये है कि दे शुड बी एबल टू चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. एक कंपनी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अच्छे से चेक कर पाती है विद द हेल्प ऑफ डीएसए, देन दे नो कि ये कैंडिडेट बिल्कुल राइट फिट है कंपनी के लिए, बिकॉज नाउ द कंपनी कैन ट्रेन दैट कैंडिडेट इन एनी टेक्नोलॉजी. कोई सी भी टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेन किया जा सकता है इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. एंड यही रीजन है कि वाई अ लॉट ऑफ कंपनीज आर स्टिल स्टिकिंग टू आस्किंग डीएसए, अदरवाइज देर वुड हैव बीन नो पॉइंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ डीएसए सीए पढ़ते हैं ताकि वो डीएसए राउंड्स क्रैक कर सके. काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता डीएसए में, बट दिस इज़ अ फैक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 5 or 10 years एटलीस्ट. उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका नहीं पता, लेकिन अगले 5 से 10 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाला है. बट एज इंजीनियर्स वी शुड कीप लर्निंग स्टफ. जैसे जैसे जो चेंजेस आते जा रहे हैं हमें उनसे अडेप्ट भी करना है, एंड दैट इज़ वाई वी थॉट कि हम एक ऐसा कोर्स बनाते हैं जहाँ पर हम लोग कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम तो कवर कराएंगे ही, बट उसके साथ साथ जनरेटिव एआई एंड पाइथन भी कवर कराएंगे, सो दैट यू कैन बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स ऑन जनरेटिव एआई यूजिंग एलएलएम्स, एंड इससे आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो, एट द सेम टाइम आपको पता चले कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे टूल्स बनाए जा रहे हैं आजकल, एंड कितना पावरफुल है एआई, एंड व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू इंप्लीमेंट राइट अवे यूजिंग जस्ट द एपीआईज, कौन से मॉडल्स हैं उनको फाइन ट्यून कैसे करना है. तो इसी के लिए हमने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कोर्स बनाया हुआ है. अब जिसको कोर्स में इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी डिटेल्स लेना. आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट इनरोल्ड इनटू समथिंग जिसके बारे में आपको पता ना हो. और जिनको इंटरेस्ट नहीं है कोर्स में वो लोग मेरी लर्नयार्ड पे एक प्लेलिस्ट आई हुई है, उसको चेकआउट कर सकते हैं. इट्स अ कम्प्लीटली फ्री प्लेलिस्ट जहाँ पर मैं बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कवर करा रहा हूँ. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट दिस प्लेलिस्ट. बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो फ्री वीडियोज़ बना देता हूँ, बट द क्वालिटी ऑफ दोज वीडियोज़ इज़ अमेजिंग. आप लोग खुद जाकर के चेक करना, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर कवर करा रहा हूँ. तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, कोई कमिटमेंट नहीं है, तब मैं वहाँ पर एक दो वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगा. ठीक है, अब जो लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ 6 to 8 months कोर्स, काफ़ी लंबा कोर्स रहेगा, एंड इसमें डीएसए पूरा कवर होगा. मैं आपको बता देता हूँ एक करके कौन सी चीज़ें कवर होने वाली हैं इसमें. तो वी विल स्टार्ट विथ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कभी कोड नहीं लिखा है, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे. C++ एंड जावा दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, यू हैव टू चूज़ वन. दोनों भी कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल ये ही कुछ नहीं आता, तो एक चूज़ करना है. एंड ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, दिस विल बी ऑफ अराउंड 25 hours, लगभग 25 घंटों में हम लोग ये कवर करेंगे. 25 घंटे मतलब ये नहीं कि एक दिन में, 25 घंटे मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसमें लगभग 1.5 महीना लगेगा हमें ये पूरा कवर करने में. नेक्स्ट है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, कंप्लीट डीएसए, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टॉपिक्स लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, एल्गोरिदम्स लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, इससे लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक हम लोग कवर करेंगे लाइक सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री. तो आपकी कंप्लीट डीएसए की प्रिपरेशन हो जाएगी. 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, एंड ये पार्ट रहेगा आपका लगभग 200 घंटे का. काफ़ी बड़ा पार्ट है ये, एंड डीएसए में टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है डीएसए में. देन नेक्स्ट इज पाइथन फॉर मशीन लर्निंग. अब हम लोगों को अगर जनरेटिव एआई से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जेन एआई सीखना है, एलएलएम्स के बारे में जानना है, तो पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पर पाइथन भी कवर कराएंगे. ये सबको कंपलसरी होगा, यहाँ पर चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू पाइथन. दिस विल बी ऑफ अराउंड 10 hours. देन उसके बाद वी विल मेक सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग एलएलएम मॉडल्स. अभी ये हमारा लगभग 15 hours के आसपास का रहेगा. ओके, इसके साथ आपको 5 mentorship sessions दिए जाएंगे, जिससे कि आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें, बिकॉज बहुत सारे लोग जो इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे कहीं ना कहीं उनका पर्पज़ यही होगा कि वो या तो किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में है तो उसे स्विच करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आना चाहते हैं, या फिर BCA किया हुआ है, BTech किया हुआ है, एंड कंपनीज क्रैक करना चाहते हैं. तो इंटरव्यू इज़ द मेन फोकस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग दिस कोर्स. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेशन है, बताता हूँ आपको हाउ टू अपीयर इन एन इंटरव्यू. आपको कैसे आंसर करना है, आपको इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, पूरा तरीका आपको पता चलेगा. रिज्यूमे एंड लिंक्डइन बिल्डिंग. अब रिज्यूमे बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी विजिबिलिटी होना ज़रूरी है. दैट्स वाई क्रिएटिंग अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल एंड रिज्यूमे मस्ट हो चुका है आज के टाइम में. करियर इन AI एंड ML. अब बिकॉज हम लोग यहाँ पर जनरेटिव AI एंड मशीन लर्निंग कवर करवा रहे हैं, तो हम लोग इसके करियर ऑप्शंस के बारे में बता देंगे. हो सकता है कुछ लोग आप में से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करें जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, एंड यू वुड वॉन्ट टू परस्यू दैट पाथ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे.
कम्युनिकेशन स्किल्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज सारे ही इंटरव्यूज में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऑलमोस्ट 90% कंपनीज एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो सो दैट यू कैन एटलीस्ट टॉक टू योर कोलीग्स, उनको चीज़ें अपनी एक्सप्लेन कर पाओ. देन नेक्स्ट सेशन इज सेशन विथ अ रिक्रूटर. अब रिक्रूटर से आप लोग क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली वॉट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ प्रोफाइल, रिज्यूमे को सही तरीके से कैसे बनाया जाए, हाउ टू अप्रोच पीपल. सो रिक्रूटर्स का जो माइंड सेट होता है वो आपको पता चलेगा इस सेशन में. तो ये 5 सेशन हमने रखे हुए हैं. अब बात करते हैं कि कोर्स का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मतलब ये कोर्स कैसे चलने वाला है. मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा इंग्लिश, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अ लिटिल बिट इंग्लिश, लिटिल बिट हिंदी, तो इंग्लिश रहेगा. हर कुछ हिंदी में भी प्योरली कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, एंड सब कुछ हम लोग इंग्लिश में भी नहीं कवर करना चाहते थे. वी वॉन्ट टू कीप द फर्स्ट बैच, ये वाला जो फर्स्ट बैच है इसको हम इंग्लिश में रखना चाहते हैं. देन क्लासेस कैसी होंगी, लाइव या रिकॉर्डेड? तो आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, मैं आपको डेज वगैरह बताऊंगा. लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी जस्ट इन केस अगर आप क्लास मिस कर देते हो तो. एंड इसके साथ साथ आपकी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस अलग से होंगी जो आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी. दिस विल कवर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में देंगे प्री रिकॉर्डेड सेशंस में, तो ये भी आपको मिलेगा. ओके, देन डाउट सपोर्ट का क्या है? तो डाउट सपोर्ट के लिए हफ्ते में एक लाइव सेशन होगा मेंटर के साथ, जहाँ पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं थ्रू आउट द वीक, आपको जो भी डाउट्स आए हैं. बट लेट्स से आप आज सॉल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन एंड आप स्टक हो गए इसमें करते करते, तो वहाँ पर ज़रूर पड़ती है TA सपोर्ट की. तो TA सपोर्ट भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है. यू जस्ट हैव टू रेज अ टिकट, आपको टिकटिंग सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा. आप बस एक टिकट रेज करो एंड हमारा TA उस टिकट को क्लेम करेगा एंड आपका डाउट रिजॉल्व करेगा. जब तक आपका डाउट रिजॉल्व नहीं होता, आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप वो टिकट क्लोज नहीं करेंगे. एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज क्विकली एज पॉसिबल बिकॉज TA का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होता है. सो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एंड देन यू हैव टू गिव अ रेटिंग. बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इसका. देन हाउ टू टेस्ट कि आप लोग सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कॉन्टेस्ट रखे हुए हैं एंड हमने कुछ इंटरेस्टिंग प्राइजेस भी रखे हुए हैं कॉन्टेस्ट के. तो हर मंथ आपका एक कॉन्टेस्ट होगा. उसके बाद फिर प्राइजेज ऑन कंसिस्टेंसी, हमने ये देखा है कि बहुत लोग ना कंसिस्टेंसी मेंटेन, क्योंकि हमारे कोर्स के प्राइजेस थोड़े से कम होते हैं, लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं क्लासेस छोड़ दो, कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए मेंटेन करना. सो दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट अ प्राइज ऑन कंसिस्टेंसी कि आप रेगुलरली अगर क्लासेस अटेंड कर रहे हो टिल द एंड ऑफ द कोर्स, तो वी माइट हैव सम प्राइजेस फॉर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट टू पुश यू ऑल टू कम्प्लीट द कोर्स एंड बी देयर इन द क्लास. क्लास का टाइमिंग 9 to 11 रखा हुआ है, 9 to 11 PM शाम के टाइम IST, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑफिस जाने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग कॉलेजेस में जाने वाले होते हैं. तो 9 to 11 इज़ अ सुटेबल टाइम फॉर एवरीवन, जहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तो आपको ऑफिस होता है उस टाइम पे, वापस आ जाते हैं मोस्टली लोग, या फिर कॉलेजेस भी ख़त्म हो जाते हैं. देन क्लासेस के डेज होंगे वेंसडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे, ये 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी. बीच में आपको इनफ गैप मिल रहा है, जिस दिन क्लासेस नहीं है उस दिन आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी एंड उस दिन आप लोग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. सो गैप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सब कुछ एक साथ क्लब करके अगर पढ़ाया तो चीज़ें इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं दिमाग में, दैट्स वाई. चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग टाइमलाइन की कि कितना लंबा कोर्स है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कौन सी चीज़ कब कवर होगी. तो स्टार्टिंग का 1.5 महीना जो कि काफ़ी ज़्यादा है, वी हैव गिवन दिस 1.5 मंथ फॉर बेसिक्स ऑफ C++ एंड जावा, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. यहाँ पर हम लोग बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके चीज़ें कवर करेंगे, इसीलिए हमने इसको 1.5 महीना दिया हुआ है. प्रैक्टिस होगी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स की, और जिन लोगों को आता है ना ऑलरेडी C++ एंड जावा, उन लोगों को हम इनफ क्वेश्चंस दे देंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि वो लोग भी बोर ना हों. यहाँ पर आपके डाउट्स सेशंस होंगे जहाँ पर आप लोग जाके डाउट्स पूछ सकते हैं. टी सपोर्ट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही, एंड यू हैव एन ऑप्शन टू आइदर चूज C++ और जावा. जिन लोगों को दोनों पढ़ना है दोनों पढ़ लेना, जिनको CPP आती है अच्छे से वो जावा पढ़ लेना, जिनको जावा आती है अच्छे से वो CPP पढ़ लेना, जो लोग नए हैं दे कैन चूज बिटवीन C++ और जावा. ओके, वंस यू आर डन विद द फंडामेंटल्स ऑफ C++ एंड जावा, अब आपको कोड करना आ गया है. देन इसके बाद हम लोग अगले 4.5 मंथ्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ेंगे, एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम द स्क्रैच टू द मोस्ट एडवांस्ड टॉपिक्स बाय गिविंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास एंड इन द प्री रिकॉर्डेड सेशंस. बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि आपको सारे एल्गोरिदम्स को यूज़ करना आ जाए अच्छे से. आप लोगों के दिमाग में एक टेम्पलेट बन जाएगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है तो विच एल्गोरिदम टू यूज़ हेयर, विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज़ हेयर, अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा कुछ. ठीक है, अब पाइथन एंड जनरेटिव AI के जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं ये कब करेंगे? तो बेसिकली आई वॉन्टेड इट टू बी कम्प्लीटेड विद इन दिस 6 मंथ्स ऑफ टाइम. मैं चाहता था कि इसको 6 महीने के अंदर कवर कर लूँ. एंड आई विल स्टिल आस्क यू इन द मिडल ऑफ द कोर्स कि अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में कंफर्टेबल हो गए हैं, कंसिस्टेंटली क्लासेस में आ रहे हैं,
तो जनरेटिव एआई, पाइथन एंड जनरेटिव एआई मैं पहले स्टार्ट करवा दूंगा लाइक इन द थर्ड मंथ और द फोर्थ मंथ ऑफ द कोर्स अलॉन्ग विद डीएसए. डीएसए भी बाकी रहेगा थोड़ा सा और जेन एआई भी स्टार्ट हो जाएगा ताकि आप लोग 6 महीने के अंदर सारा कुछ कवर कर लो. लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, देन आई विल ओनली स्टार्ट दिस एट द एंड ऑफ द कोर्स. तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग मिडल ऑफ द कोर्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप लोग पंक्चुअल रहे, रेगुलर रहे, अच्छे से अपना सब कुछ काम किया, वी विल स्टार्ट इट अर्ली. अदरवाइज वील हैव टू पुश इट टू द एंड ऑफ द कोर्स. इसीलिए ये 6 से 8 महीने का मैंने बफर लिया हुआ है इस कोर्स को कंप्लीट करने का. अब बात करते हैं प्राइस की. तो हमारा जो डीएसए का बैच हुआ करता था वो 6000 का होता था. प्राइस हमने यहाँ पर सेम रखा है अगेन 6000 इवन आफ्टर इंक्लूडिंग जनरेटिव एआई इनटू दिस, सो दैट स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर सके. आई नो प्रोफेशनल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, बट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा अगर टिकट साइज हाई हो जाता है तो. सो दैट्स वाई स्टिल द प्राइस इज 6000, बट यहाँ पर एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स एंड स्ट्रिक्टली 48 आवर्स. इसके बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा. 30% डिस्काउंट मिल रहा है आपको 6000 पे, तो बनता है 4200 अगले 48 घंटों के लिए. और जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स हैं उनको हम LLD की फ्री प्लेलिस्ट भी देंगे. सो दे विल ऑल्सो गेट अ फ्री LLD कोर्स जहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं जस्ट इन केस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको LLD चाहिए उसमें, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे. 48 आवर्स का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा. इट वॉन्ट बी 6000, थोड़ा बढ़ेगा लाइक 10-15% द प्राइस विल इंक्रीज एंड ग्रेजुअली इट विल बिकम 6000. सो येस, दिस इज़ द प्राइस. एक और चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों ने लिमिटेड सीट्स भी रखी हैं, तो अगर ऐसा हुआ कि विद इन 48 आवर्स ही हमारी सारी सीट्स फिल हो जाती हैं तो वी विल स्टॉप द एनरोलमेंट्स ऑफ दिस कोर्स एंड वी वॉन्ट टू कीप इट लिमिटेड फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज हम क्वालिटीज़ की मेनटेन करना चाहते हैं एंड वी वॉन्ट टू गिव बेस्ट एक्सपीरियंस टू whosoever joins. सो जस्ट इन केस अगर 48 आवर्स में ये बंद हो जाता है, मतलब सीट्स फिल हो गई हैं, तो फिर आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमने इसका नेक्स्ट बैच रिलीज़ किया विद द सेम ऑफरिंग. तो सो या, यू कैन चेक इट आउट. अगर आपको कोर्स में इंटरेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर के वेबसाइट पे आप लोग इनरोल कर सकते हैं. एंड अगर मन है इनरोल करने का तो इट इज़ गुड कि अगर आप 48 आवर्स में इनरोल कर ले. और अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं भी हैं कोर्स में तो आप लोग LearnAd के यूट्यूब चैनल पे जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ पर बहुत ही अच्छी सी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ. एज आई टोल्ड यू, अपने हिसाब से मैं लेक्चर्स डालता रहूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, बट वो लेक्चर्स बहुत ही मेहनत से बन रहे हैं एंड इन डेप्थ लेक्चर्स हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.